क्या आप मोबाइल फोन यूज करते हो? बिल्कुल कर रहे होंगे और मेरा ये वीडियो भी अपने मोबाइल पे ही देख रहे होंगे। आज हम बताने वाले हैं मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में, कैसे आप अपने आप को और अपने कीमती डिवाइसेस को सेफ रख सकते हो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए, अपने मोबाइल का पासवर्ड मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अरे नहीं, रुकिए, इन्हीं सब चीजों से तो हमें बचना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अपना फोन कोई भी पब्लिक प्लेसेस या फिर क्राउडेड प्लेसेस में यूज कर रहे हो, तो आपको अपने सराउंडिंग्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके अगल बगल कौन कौन है, वो क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हमेशा अपने फोन में फिंगरप्रिंट या फिर फेस स्कैनर को ऑन रखना टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस। और अगर आप ये नहीं करते हो तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लो, विच शुड बी अ मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल्स और मिनिमम 8 करेक्टर्स होने चाहिए। अब फ्री में हमें कुछ चीज मिल जाए तो हम तुरंत ले लेते हैं। ऐसे ही कई सारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, मॉल्स, जो कि फ्री वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इन पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई सर्विस यूज करते हो तो वीपीएन का यूज जरूर करें। वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो कि आपका इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है, जिससे हैकर्स को दिक्कत होती है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में। वीपीएन का यूज और जरूरी होता है जब आप बैंकिंग वेबसाइट्स या फिर अपने ईमेल्स को एक्सेस करते हो। तो कोशिश ये रखना कि एक तो कम से कम पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई का इस्तेमाल करें, और अगर वाईफाई पब्लिक प्लेसेस में आप यूज करते हो तो बैंकिंग रिलेटेड और अपने ईमेल्स को बिल्कुल भी एक्सेस ना करें। ये ऐप डाउनलोड कर लो और आपके अकाउंट में तुरंत पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे फर्जी ऐप्स हैं जो कि अगर आप डाउनलोड करते हो तो तुरंत आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है। तो कभी भी ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने से पहले अपने एंड से जरूर उनके रिव्यूज और डिटेल में रिसर्च करें, ताकि ऐसे कोई भी अनवांटेड ऐप्स आपके फोन में ना आ जाए। अब आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे जिसपे बोलते होंगे ये लिंक क्लिक कर लो और आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ये लिंक क्लिक कर लो आपकी नौकरी पक्की हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, ये सारे सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स ही होते हैं। तो बहुत सारे हैकर्स इन्हीं तरीकों से फिशिंग ईमेल और वेबसाइट के थ्रू आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी अगर आपके मोबाइल में कहीं से भी अननोन नंबर से मैसेजेज आते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं कि इस लिंक को क्लिक कर लो, आपकी नौकरी पक्की हो गई है, सैलरी कन्फर्मेशन के लिए आप लिंक क्लिक कर लो, तो कभी भी उन लिंक्स को क्लिक मत करना। अगर आप क्लिक करते हो तो आप सीधा सीधा इनका शिकार हो सकते हो। तो अननोन नंबर से कोई भी लिंक क्लिक नहीं करना है। तो आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपने फोन का डेटा रेगुलरली बैकअप करते हैं? मुझे लगता नहीं हर कोई करता होगा। तो दोस्तों, अपने फोन का बैकअप, डेटा बैकअप एट अ रेगुलर इंटरवल आप करते रहो। अगर कभी भी गलती से आपका फोन खो जाता है या फिर आपका फोन चोरी हो जाता है, तो उस केस में आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस आप कर सकते हो डेटा बैकअप के साथ। और आजकल एक नया व्हाट्सएप का स्कैम चल रहा है, जिसके चलते आपके मोबाइल फोन पे एक फॉरेन नंबर से फोन आ रहा होगा। या तो वो मिस कॉल देंगे, या तो वो आपको मैसेज करेंगे, या तो अगर आपको ड्यूरिंग द अगर फोन कर लिया और आपने फोन उठा लिया तब आप इनके शिकार में फंस सकते हो। तो ये सारा सारा स्कैम चल रहा है। तो इन अगर आपके मोबाइल पे, अगर आपके व्हाट्सएप पे कभी भी इन अननोन नंबर से फोन आते हैं या फिर मैसेज आते हैं, तो तुरंत उस नंबर को रिपोर्ट और ब्लॉक करना, ताकि आप सेफ रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी अपने मोबाइल डिवाइसेस को सेफ रखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि वो लोग भी अवेयर हो कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजों से बचना चाहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, सेफ रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो।